الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جعل الله الكعبة الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون صدق الله العظيم حرم کے کعبہ تو کعبہ جو کعب شکل میں چاکونی काबा है और काब के माने अरबी में चार कोनी को कहते हैं मुकाब जो है यानी चार कोने जिसके निकले हुए हैं उसको मुकाब बोलते हैं काबा उसी से है वो और काब के माने ये जो टखने की टखना है उठा हुआ उसको भी काब कहते हैं और उसके माने उठने के हैं काबा पूरे आलम में एक इज्जत के एतबार से उठी हुई मुमताज चीज है तो मुकाम इबारत थी चौदीवारी इसलिए उसको काबा कहा गया और इस किस्म का यमन में भी एक खसाम नामी एक शख्स ने बनाया था एक इमारत चार कोनी वो भी काबा कहलाती थी तो अल्लाह ताला ने उससे इसको अलग करने के लिए यहाँ लफ्ज़ बैतल हराम फरमाया जालल्लाहु बैतल काबतल बैतल हराम बनाया अल्लाह ने काबे को हुर्मत का घर एहतराम का घर इज्जत का घर क़ियामल लिन्नास लोगों के लिए तमाम इंसानियत के लिए लिन्नास का जो लफ्ज़ है सारी इंसानियत के लिए काबा सारी इंसानियत के निज़ाम को कायम करने वाला है ये माने उसके क़ियामल लिन्नास के माने ये हो गए कि काबा पूरी इंसानियत और पूरे आलम हुए जमीन गया कि उसका अमन और उसकी शांति को कायम करने का जरिया है क़ियाम लिन्नास बहुत बड़ा लफ्ज फरमाया क़ियाम और क़वाम दोनों के माने क़ियाम इंतजाम करने वाला उसको संभालने वाला सारी इंसानियत को संभालने वाला है तो सारे इंसानियत का अमन और शांति को संभालने वाला है मतलब पूरी दुनिया का अमन अगर
काबे से कायम है, यह मतलब है उसका। अब कैसा है तो हमको तो नहीं मालूम, अल्लाह सुभानहू तआला फरमा रहे हैं, मान लो कैसा है क्या है। तो अब क्या रहा बेटा है, सारे आलम के अमन के, मसलन हिंदुस्तान का अमन है तो फरमा रहे कि वो काबे से कायम है, अमेरिका का अमन है तो काबे से कायम है। तो अब ये सवाल होता है कि कैसा है, इनसे क्या ताल्लुक है उसका ताल्लुक, अपने आलम का ताल्लुक काबतुल्लाह से कैसा है। तो मुफस्सिरीन ने उसकी मिसाल ये दी है कि जैसे मखनातीस और लोहे में क्या ताल्लुक है, वो मखनातीस लोहे को क्यों खींचता है किसी को भी नहीं मालूम, क्यों खींचता है किसी को भी नहीं मालूम, वो क्या कुव्वत अल्लाह ने उसमें रखी है मखनातीस में कि वो उसको खींच रहा है लोहे को, वो क्या ताकत है वो अंदर किसी को भी नहीं मालूम, क्यों है वो ऐसा। ये भी है कहरबा है, एक पत्थर होता है तो वो कहरबा को अगर आप यहां रख देंगे तो आसपास में जितने तिनके सबको खींचेगा लोहे के अलावा, दूसरे जितने तिनके हैं उन सबको वो खींचेगा। तो कहरबा और वो तिनकों में क्या ताल्लुक है, अल्लाह को मालूम क्या ताल्लुक है। तो इसी तरह अमने आलम और काबा ये दोनों को क्या ताल्लुक है अंदर से, अल्लाह को ही मालूम है। लेकिन अल्लाह सुभानहू तआला फरमा रहे कि सारी इंसानियत का अमन कायम है काबे से, और कैसे कायम है, वश्शहर अल हराम हुरमत वाले महीने से भी है, शव्वाल ज़ुल्क़ादा ज़ुल्हिज्जा और रजब, कदीम जमाने से अरब लोग ये चार महीने का एहतराम करते थे। और ये चार महीने में, अगर कोई दुश्मन भी मिल जाए कहीं ही, उनके बाप का कातिल भी मिल गया चार महीनों में, उसको हाथ नहीं लगाते थे। तो फरमा रहे कि अमने आलम कायम है ये चार महीनों से भी काबे से भी, बस शहर हराम वल हदिया, और अमने आलम कायम है हदी बोलते हैं उस कुर्बानी को जो हरम में ले जाई जाती है, उसको हदी बोलते हैं, हदी से कायम है अमने आलम। वल कलाइदा, और जो हुज्जाज कदीम जमाने में जाते थे काबतुल्ला को तो अपने गले में खास किस्म का पट्टा उट्टा अलामत के तौर पर डाल लेते थे कि हम हज को जा रहे हैं, बैतुल्ला जा रहे हैं, तो समझ जाते थे लोग। तो बैतुल्ला जा रहा बोले तो आप कोई सख्त से सख्त दुश्मन भी रहा वो उनको छेड़ता नहीं था कि ये हज को जा रहे हैं, ये काबतुल्ला को जा रहे हैं, बल हदिया वल कलाइदा। और वो जो जानवर होते थे कुर्बानी के उनके गले में भी पट्टे डाल देते थे तो वो मालूम हो जाता था कि ये जानवर कुर्बानी के हैं, तो उसको भी नहीं छेड़ते थे। तो फरमाया कि ये सब अलामतें हैं अम्न की, ذلك لتعلم ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض। तो अब इसमें क्या है ना, ये बज़ाहिर शक्ल तो ये होती है कि अब देखिए दुनिया में जो मसलन अब हमारे पास ही जो कुछ भी अमन ज़ब्त कायम है, कानून कायदा है, हुकूमत है, बट डरते लोग कि अगर वो बैंक लूटेंगे तो पकड़े जाएंगे, फिलहाल चोरी नहीं होती,
डाके नहीं होते, कत्ल नहीं होता, जो भी कायम है, बहरहाल एक हुकूमत है, इस वजह से वो कायम है।